हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसन जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा इंडियन पॉलिटी चल रहा है और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर वन है, हु वाज द फर्स्ट वीमेन टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इन द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड पहली जो वीमेन प्राइम मिनिस्टर बनी थी वो कौन थी? तो उसका नाम था श्री मावो भंडार नायक। ये कहाँ की प्राइम मिनिस्टर बनी थी? ये बनी थी श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर। श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर बनी थी फर्स्ट टाइम। कब बनी थी? 1960 में बनी थी फर्स्ट टाइम। इनका जो टेन्योर था फर्स्ट था 1960 से लेकर 65 तक था, सेकंड था 1970 से 77 तक, और थर्ड था 1994 से 2000 तक का, और 2000 में इनकी डेथ हो गई थी, राइट। नेक्स्ट है, इन इंडिया द प्राइम मिनिस्टर रिमेन्स इन ऑफिस सो लॉन्ग एज ही इंजॉयज द। प्राइम मिनिस्टर तब तक अपनी ऑफिस में रह सकता है जब तक लोकसभा में कॉन्फिडेंस उनका बना है। एक बार लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए तो पूरी की पूरी सरकार गिर जाती है और प्राइम मिनिस्टर को भी अपना ऑफिस छोड़ना पड़ता है, राइट। नेक्स्ट है, विच पार्टी प्रोवाइडेड टू प्राइम मिनिस्टर्स इन थ्री ईयर्स टर्म। 3 साल में दो प्राइम मिनिस्टर कौन सी पार्टी के बने थे? तो वो थे जनता पार्टी। जनता पार्टी कब आई थी पावर में? 1977 में, और उस टाइम पे मोरारजी देसाई जो थे वो बने थे प्राइम मिनिस्टर। लेकिन उसके बाद 1979 में, जुलाई 1979 में, जुलाई की बात है, तो उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर बने थे वो बने थे चौधरी चरण सिंह। हालांकि ज़्यादा टाइम तक वो नहीं रहे ऑफिस में, तो फिर भी जुलाई 1979 से लेकर जनवरी 1980 तक वो प्राइम मिनिस्टर रहे थे। जनवरी 1980 तक चरण सिंह जो थे वो प्राइम मिनिस्टर रहे थे जनता पार्टी के। 1977 में मोरारजी देसाई थे, राइट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर कितने साल का होता है? जब तक लोकसभा में मेजॉरिटी सपोर्ट मिल रही है तब तक वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, राइट। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, एज लॉन्ग एज ही एंजॉयज द सपोर्ट ऑफ ए मेजॉरिटी इन लोकसभा। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट है, हु ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विदाउट बिकमिंग अ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर बने बिना ही ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने थे? तो वो थे H.D. देवेगौड़ा। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मींस द रेजिग्नेशन ऑफ द होल कैबिनेट। अब देखो, प्राइम मिनिस्टर जब रिजाइन करता है तो उसके बाद जो कैबिनेट बनती है वो भी दोबारा से बनती है। तो इट मींस कि जब प्राइम मिनिस्टर रिजाइन दे रहा है तो पूरी की पूरी कैबिनेट भी उसके बाद चेंज होती है, तो एक तरह का कैबिनेट का भी रेजिग्नेशन साथ में ही हो जाता है। नेक्स्ट, इट इज ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर दैट द प्रेजिडेंट समन्स एंड प्रोरोग पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा। अब देखो, प्रेसिडेंट के जो ज्यादातर काम होते हैं वो सारे प्राइम मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस से ही होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर के कहने पे ही प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में समन कर सकता है या पार्लियामेंट की जो भी कार्रवाई चल रही है उसको प्ररोग कर सकता है, राइट। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट है, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वेन द एंटी डिफेक्शन बिल वॉज पास्ड। एंटी डिफेक्शन बिल कब पास हुआ था? 1985 में। तो 1984 में आए थे राजीव गांधी और इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था एंटी डिफेक्शन बिल। तो ये जो राजीव गांधी थे तो इन्होंने, इनके टाइम पीरियड पे ही एंटी डिफेक्शन बिल पास हुआ था, और ये जो हमारे राजीव गांधी थे ही इज़ द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 40 ईयर्स की एज में ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर रिजाइन बिफोर फेसिंग अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन द लोकसभा। तो कौन थे? वो थे चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट है, शक्ति स्थल इज रिलेटेड टू होम। शक्ति स्थल क्या होता है? शक्ति स्थल एक मेमोरियल है जो कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी का है। नेक्स्ट है, इट वॉज द विद्रॉल ऑफ द सपोर्ट बाय द कांग्रेस विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ चरण सिंह। का रेजिग्नेशन भी कांग्रेस की सपोर्ट विद्रॉ करने से हुआ था, चंद्रशेखर का और H.D. देवेगौड़ा। और ये तीनों ने जो रेजिग्नेशन दिया था वो कांग्रेस की जो सपोर्ट कर रही थी कांग्रेस, उनकी विद्रॉल के बाद ही दिया था। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीस।
नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर नेवर फेस द पार्लियामेंट ड्यूरिंग द टेन्योर, तो वो थे चौधरी चरण सिंह। अब इनका टेन्योर कुछ ज्यादा लंबा तो था नहीं, ये इन्होंने कब प्राइम मिनिस्टर बने थे, ये जुलाई 1979 में बने थे और जनवरी 1980 में ये इन्होंने रिजाइन दे दिया था। नेक्स्ट है द ऑफिस ऑफ द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। अब देखो ये जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है, ये कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में ना मेंशन थी और ना ही मेंशन है। तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है ये क्या है, ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेक्स्ट है, हु एक्सरसाइजेस द एक्चुअल एग्जीक्यूटिव पावर अंडर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो एक्चुअल एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के कहने पे ही सारे काम प्रेसिडेंट करता है। नेक्स्ट है, द यूनियन मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ। यूनियन मिनिस्टर कब तक अपने ऑफिस में रह सकते हैं, जब तक प्रेसिडेंट चाहे। आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज हर अपॉइंटमेंट। जब प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है तो उस टाइम पे जरूरी नहीं है कि जो बंदा प्राइम मिनिस्टर बन रहा है वो किसी भी हाउस का मेंबर हो, लेकिन शर्त यह होती है कि जब कोई पर्सन प्राइम मिनिस्टर बन गया, अगर एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ही इज नॉट द मेंबर ऑफ एनी ऑफ द हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, देन उसको विद इन सिक्स मंथ्स का टाइम पीरियड होता है, विद इन सिक्स मंथ्स किसी भी हाउस का मेंबर बनना पड़ता है। राइट, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नीड नॉट नेसेसरली बी अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, बट मस्ट बिकम अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउसेज विद इन सिक्स मंथ्स। जब प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट हो जाती है तो उसके बाद विद इन सिक्स मंथ्स उसको किसी भी हाउस का मेंबर बनना पड़ता है। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू वॉज हिज फोर्थ टर्म एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ कब हुई थी, इनकी डेथ हुई थी 1964 में, तो उस टाइम पे ये फोर्थ टाइम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने थे। फर्स्ट टर्म टाइम 1947 में बने थे, सेकंड 52 में, देन 57 में और फोर्थ टाइम 62 में बने थे और 64 में इनकी डेथ हो गई थी। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट राइट है। सेकेंड है, जवाहरलाल नेहरू रिप्रेजेंटेड रायबरेली कॉन्स्टिट्यूएंसी एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो रिप्रेजेंट कर रहे थे फूलपुर को, फूलपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी को। ये कहाँ पे है, फूलपुर अब पड़ता है नियर अलाहाबाद। नेक्स्ट है, सेकेंड वाली स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाती है। थर्ड क्या है, द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अज्यूम्ड द ऑफिस इन द ईयर 1977 में फर्स्ट टाइम जो मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने थे वो कांग्रेस पार्टी के नहीं थे। कौन सी पार्टी के थे, वो जनता पार्टी के थे। राइट, तो थर्ड वाली भी स्टेटमेंट राइट है। तो आंसर आ जाएगा 1 and 3, ऑप्शन डी। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।